हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई स्टडी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काफ़ी योजनाओं को देखा था पहले इसमें, और आज के इस लेक्चर में हम दो नई योजना जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को देखेंगे। इसकी जो मुख्य बिंदु हैं उनको चेकआउट करेंगे। ये दोनों जो योजना है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योजनाएं कभी ना कभी आपके एग्जाम में आती रहती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या फिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार ग्राम स्तर पर चला रही है, उन सभी योजना को पहले आपको करा दिया जाए, क्योंकि ये योजना आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो जो लोग MPPSC या फिर मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी राज्य की PSC की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये जो योजना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि MPPSC में जो प्री में पूछा जाता है तो प्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और मेंस में उनको ये आंसर जो है वो लिखने पड़ते हैं। तो ये बहुत आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देखिएगा। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखिए तो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन किया है, जो कि आपके लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कृषि उत्पादों के विपणन के लिए ई प्लेटफॉर्म की पेशकश किसानों को दी गई है, यानी किसान यहाँ पर आकर अपने सामान को ई प्लेटफॉर्म की मदद से बाजार में बेच सकते हैं। तो इसलिए कृषि उत्पादों के विपणन के लिए ई प्लेटफॉर्म की पेशकश किसानों को दी गई है, यानी कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं किसान चाहे तो इस ई प्लेटफॉर्म की दृष्टि से उसको अपने सामान को बेच सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से फ्लिपकार्ट अमेजन पर लोग सामान को खरीद और बेच सकते हैं, उसी तरह से सरकार को लगा कि एक ऐसी योजना किसानों के लिए बनानी जानी चाहिए जिसके अंतर्गत वो अपने सारे सामान को ई प्लेटफॉर्म की मदद से बेच सके। अब देखिए, ई प्लेटफॉर्म ही क्यों, क्योंकि देखिए ई प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि जो बाजारों तक पहुंचाने सामान को बाजारों तक पहुंचाने से काफी तरह के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, काफी तरह के ऐसी चीजों को करना पड़ता है, और उसके अलावा काफी जगह पर जाकर किसानों को चुंगी कर देना पड़ता है। तो इस तरह की जो चुंगी कर है वो नहीं दिए जाएंगे, तो वो इसी ई प्लेटफॉर्म की मदद से अपने सामान को बेच सकेंगे। अब इसके बाद दूसरी बात आती है, इसकी घोषणा 14 अप्रैल सन 2016 को की गई थी। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा कि इसकी योजना की जो घोषणा थी 14 अप्रैल सन 2016 को की गई थी। इसके बाद इससे किसानों को अपने उत्पादों को मंडियों अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों स्थानों पर बेचने की सुविधा हो जाएगी। अब किसान अपने सामान को मंडियों में भी साथ में ई प्लेटफॉर्म की मदद से कहीं पर बेच सकते हैं। देखिए, मंडियों में बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, किसान अपने सामान को लेके जाते हैं, अब उस दिन हो सकता है वहां पर उनको उनका दाम उतना अच्छा ना मिले, तो किसान को जब पता चलेगा कि इस दिन पर्टिकुलर दिन जो है जो बाजार में हमारा जो रेट है वो अच्छा मिल रहा है उत्पादों का, तो वो उसी दिन बेच देंगे, जिससे उन्हें काफी तरह की जो 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 पहले हानि हुआ करती थी अब हानि नहीं होगी, क्योंकि सामानों को पहुंचाने के लिए काफी मदद करनी पड़ती है, काफी अलग तरह के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि उस दिन जहां जब किसान पहुंचता है तो मंडियों में उस वस्तु का रेट तो बहुत कम होता है, अगले दो दिन के बाद उसका रेट बढ़ जाता है। तो यानी जो रेट बढ़ा है इसका फायदा जो बिचौलिए होते हैं, बीच के जो मीडिएटर होते हैं उनको मिल जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कम करने के लिए सरकार ने इस तरह के बाजार की योजना की स्थापना की है। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, सामान को वो सही समय पर बेच सकेंगे, सही मुनाफा उनको होगा तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना का उद्घाटन किया है, और इस योजना के अंतर्गत काफी और तरह की जो फैसिलिटी है वो भी दी जाएगी। देखिए, किसान क्या करते हैं, अपने सामान को थोक बाजार में बेचते हैं, तो थोक में जो सामान बिकता है या मंडियों का जो रेट होता है वो बहुत अलग होता है। अब इसी बात को अगर रिटेल में देखें, आप देखते हैं अपने गली मोहल्ले में जो सब्जियां बेचती है, वो जो उसका जो रेट होता है वो आपके थोक बाजार से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि थोक बाजार में जो सामान
ये जो जितने भी गली मोहल्ले के जितने भी ये लोग जो बेचने वाले हैं वो वहीं से लेकर आते हैं। तो इस तरह की जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है बिकने का, उस सिस्टम में काफी तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, परंतु अभी धीरे धीरे करके केंद्र सरकार इसके मद्देनजर कार्य कर रही है। अब ये जो काम है काफी राज्यों में स्टार्ट हो चुका है, तो इसके पहले चरण में से 8 राज्यों में इसको थोक बाजार, उसके जो थोक बाजार है उनसे जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के किसानों को उनके जो थोक बाजार है उनसे जोड़ा गया है। अब देखिए ये जो राज्य है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, आप इनको लिख लीजिएगा कि ई कृषि बाजार की योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। अब इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की आय को बढ़ाना है, जाहिर सी बात है, और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने सन 2022 तक उन किसानों की आय को दोगुना करने की पूरी कोशिश की है, पूरी की पूरी रूपरेखा ढांचा बना लिया है। तो उसके मद्देनजर यह योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, किसानों के लिए। चलिए हम दूसरे अपने योजना की तरफ चलते हैं, जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो योजना जो है वो 19 फरवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है, यानी एक ऐसा कार्ड उपलब्ध कराना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कराना है, जिसके लिए उनको उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की मदद से लोग किसान अपने जो मिट्टी है खेत की। देखिए स्टूडेंट्स, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड को जो किसानों तक उपलब्ध कराना। अब देखिए सवाल कैसा आएगा आपके पेपर में, अभी मैंने आपको बताया ये योजना 19 फरवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा एक तरह से शुरू की गई थी। तो इस सवाल आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस दिन प्रारंभ की गई थी, किस दिन शुरू हुई थी। तो डेट क्या है, 19 फरवरी 2015। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड के, जिसको इंग्लिश में सॉइल हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, अगर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, देखिए किसानों के लिए सबसे मुख्य जो चीज है वो है फसल को बोना। अब फसल की बुवाई के लिए उनको जो उनकी जो खेत की मिट्टी है उसकी जो टेस्टिंग होती है, उसका जो परीक्षण होता है वो कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत काफी तरह के ऐसे पोषक तत्वों की कमी होती है जिसकी वजह से उनकी जो फसल होती है उस अच्छी तरह से वो नहीं उग पाती है। तो अगर उस पोषण के तत्वों की कमी को पहले से पूरा कर लिया जाए, या फिर जिस तरह के पोषक तत्व हैं उसी तरह की फसल की बुवाई की जाए, तो उससे किसान को ही फायदा होगा। किसानों को देखिए आज के समय में किसी शताब्दी के अंतर्गत बहुत से ऐसे वैज्ञानिक तरीके तकनीक उपलब्ध है, जिसके वजह से किसान अपनी जो फसल है उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं, फसल की बुआई को बढ़ोतरी कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हम उनके पोषण तत्वों को की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए हम अगर देखें तो वो जमाना था जब हम खाद का उपयोग बहुत अनलिमिटेड करते थे, बिना सोचे समझे हमने अलग तरह के फर्टिलाइजर का यूज किया, तो उससे क्या होता है जो फसल की खेती की जो मिट्टी है वो उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्षति पड़ती है। इसलिए इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, किसानों को अपनी मिट्टी की जांच परख के लिए एक ऐसा कार्ड दिया जाए जिसके अंतर्गत वो अपनी मिट्टी की फोटो लेकर, पिक्चर लेकर अपने पास की प्रयोगशाला में जाकर उसकी टेस्टिंग करा सके। अब इस योजना के तहत मिट्टी का परीक्षण कराना और उसके अनुसार मृदा के पोषक तत्वों की कमियों को वैज्ञानिक तौर तरीके से दूर किया जा सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद इस योजना के तहत मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। अब मोबाइल मृदा प्रयोगशाला का मतलब है एक तरह से ऐसी प्रयोगशालाएं जो कहीं पे भी आ जा सकती है, इसलिए उसको मोबाइल मृदा प्रयोगशालाएं बोला गया है। मोबाइल का मतलब होता है कार में, गाड़ी में, कहीं भी ऐसी मेल डोर के अंदर इस तरह की प्रयोगशाला होंगी जो कहीं भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर जिनको लाया जा सकता है, जिससे जो क्योंकि हमारा देश में, हम अपने देश में इतनी सारी प्रयोगशाला अभी इतनी सारी प्रयोगशाला को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए किसान ने केंद्र सरकार ने सोचा कि इस तरह की प्रयोगशाला की उपलब्धता हम कराते हैं, जिससे किसानों को उस तरह की जो प्रयोगशालाएं हैं वो आराम से मिल जाए, जिससे वो अपनी मिट्टी के टेस्टिंग को कहीं भी आ जा सके। तो कोशिश ये है केंद्र सरकार की, एक कम से कम एक जिले में एक जगह तो हम इस तरह की प्रयोगशाला का निर्माण कराएंगे जहां पर ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो स्कीम है वो अच्छी तरह से उसको हम
बना सके, इंप्लीमेंट कर सके। अब इसके बाद ऐसा करने से किसान अपनी पैदावार को बढ़ोतरी कर सकता है। जाहिर सी बात है, फसल अच्छी होगी तो किसानों को अच्छी आमदनी मिलेगी। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, आज की जो दोनों योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि केंद्र सरकार ने गांव के जो किसान हैं उनके लिए क्या किया है, ये हमारा आज का लक्ष्य था। तो ऐसा करने से किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सकेंगे। अब इस योजना का जो मुख्य ध्येय वाक्य है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। तो आपके पेपर में आ सकता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य जो ध्येय है, जो उसकी टैगलाइन है वो क्या है, तो वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना थी, बहुत छोटी सी ये योजना थी, इसके अंतर्गत हमने कुछ महत्व बिंदुओं को देखा। तो अब मैं यहां से हट जाता हूं, आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में दो योजनाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी आपके पेपर के लिए, उनको डिस्कस किया। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना को देखें। इसके अंतर्गत हमने बोला था अभी आपको, कृषि उत्पादों के विपणन के लिए ई प्लेटफॉर्म की पेशकश किसानों को दी गई है। इसकी घोषणा 14 अप्रैल 2016 को की गई थी, प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इससे किसानों को अपनी उत्पादों को मंडियों अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों स्थानों पर बेचने की सुविधा प्राप्त होगी। साथ में इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाने से है। पहले चरण में 8 राज्यों को इससे जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के किसानों को थोक बिक्री बाजार से जोड़ा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने से है। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कार्ड दिया जाए, जिससे उनकी जो जिनका इसकी योजना के तहत मिट्टी का परीक्षण कराया जा सकता है आराम से किसानों द्वारा, और उसी के अनुसार मृदा के पोषक तत्वों की कमी को वैज्ञानिक तौर तरीकों से दूर किया जा सकता है। इस योजना के तहत मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिससे किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सकेगा और आमदनी को भी बढ़ोतरी कर सकेगा। इस योजना का जो मुख्य ध्येय वाक्य है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ा, और ये आपके पेपर में जरूर आएंगी। और इस तरह की जो बहुत सी और योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर चल रही हैं, तो हम उनको भी पूरा कराएंगे। साथ में और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे भारत की राजव्यवस्था के बारे में लेक्चर बनाने के लिए बोला है, तो मैं बहुत जल्दी भारत की राजव्यवस्था का पूरा एक कंप्लीट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसी तरह से अर्थव्यवस्था से संबंधित भी पूरी सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसा आप मेल हमें करते जाइए, और अगर फिर भी किसी तरह की कोई आपको परेशानी होती है तो हमारा जो ईमेल आईडी है वो है bsistudyclasses@gmail.com। आपको YouTube का जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा हमारा ईमेल आईडी। और किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको हो रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें कोई भी सुझाव दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।